बाबा को मिली हूँ, इनके वहाँ रहते थे। ये रहे हमारे बाबा। रात को खोलो क्या इसमें? कुछ नहीं। आरो हैप्पी। एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है, ये देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। यहाँ से दीदी और हम लकी भी जा रहे हैं। जैसे ही बारिश की वजह से यहाँ का मौसम पूरा धुंधला हो गया है, जैसे जाड़ों में कोहरा नहीं लग जाता है वैसा मौसम हो गया है पूरा। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोहरा आ गया है, ये देखो पूरा। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? पता है अभी सिर्फ 6 बजा है और मैं जस्ट आज उठ के आई हूँ। अभी उठ के बालकनी में आई और मैं आज जल्दी उठ गई। वैसे मैं 6:30-7 बजे तक उठती हूँ, बट आज जल्दी उठ गई। वैसे तो कल मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब सब कुछ सही हो जाएगा। और यहाँ का मौसम कैसा हुआ है मैं आपको अभी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैं नहाना धोना अपना रूटीन वर्क पूरा करके जस्ट अभी आई हूँ और नाश्ते की आधी तैयारी कर ली है। तो अब पूरी तैयारी करने के लिए जाती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ और अपने हस्बैंड को और हाँ को सर्व करती हूँ। उनके साथ मैं भी खाऊँगी और नाश्ता बन जाएगा। उसके बाद पूरे दिन की तैयारी करती हूँ। आज का दिन वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और लंबा भी होने वाला है, देखते हैं क्या क्या होता है। ना आज ऐसे है कि आज है प्यारे से हमारे आरव का बर्थडे। बिस्ट भैया हैं, उनका बेटा है आरव जो अब 4 साल का हो जाएगा, उसका बर्थडे है। तो हमें उनके वहाँ से इनविटेशन आया है। इनविटेशन तो उन्होंने पहले ही दे दिया था जब हम उनके घर गए थे डिनर पे। तो कल कॉल आया था, एक जो होता है ना फॉर्मल इन्विटेशन की देखिए कल बर्थडे है डेफिनेटली आना, तो वो वाला मैंने कहा हाँ। तो आज शाम को हमें उनके वहाँ बर्थडे पार्टी में जाना है, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी होती है। तो अभी हम वही चीज़ है कि अभी अपना नाश्ता करते हैं दिन में लंच, फिर शाम के टाइम पे वहाँ जाने की तैयारी करेंगे। तो आपको भी दिखाऊंगी बर्थडे में जाके क्या क्या किया और दिखाऊंगी मैं। देखिए ये मेरे प्यारे से हस्बैंड हैं जो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं और मुझे यहाँ से अलार्म जैसा बजा रहे हैं। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। क्या कह रहे थे आप बताओ? अरे कुछ नहीं, इतना ठंडा है ना। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने जो ये वुलन क्लोथ बंद कर दिए थे वो आज फिर निकल चुके हैं। आज फिर ये कपड़े हमें निकालने पड़े क्योंकि बाहर का मौसम बिल्कुल धूप नहीं, एकदम कोहरा जैसा छाया हुआ है। पता नहीं कब ये मौसम बरस जाए, कोई अता पता नहीं है। तो पता है फिर से आज ये गर्म कपड़े निकल गए और बीच में इतनी गर्मी पड़ रही थी कि लग रहा था कि हाई अभी से गर्मी आ गई वाला फील हो रहा था, लेकिन अब फिर से ठंड हो रही है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि वुलन क्लोथ निकालने की ज़रूरत पड़ गई। ये मेरे हस्बैंड देखते हुए ये वाली पागल बेटा वाली सीरीज, ये कौन से नंबर की है? हाँ 13 नंबर की। देखते मैं जो चली किचन की तरफ खाना बनाने नाश्ता बनाने आधी तैयारी। पता है पहले ही करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि तुम्हें ज़्यादा हेडेक नहीं रहता अरे खाना बनाना है। तो अब मैं करती हूँ खाना बनाने की शुरुआत। तो फ्रेंड्स अभी हमारा नाश्ता हो चुका है और मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। और तब तक मैं देख रही हूँ ये भाभी जी घर पे है और मेरे हस्बैंड यहाँ रेडी हो रहे हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। ये देखिए ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, ये शू पॉलिश कर रहे हैं अभी, फिर रेडी होके ऑफिस के तरफ निकलेंगे। तब तक मैं इनका वेट करूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आज ना मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। अब तो मुझे दिख रही है कि हल्की हल्की धूप आ रही है, लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा ठंड है, धूप नहीं आई। मतलब जो एक होता है ना हल्की सी धूप वो छांव वाली आई है, मतलब वुलन कपड़े पहनने के बाद भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैंने जैकेट डाल लिया और मुझे अभी भी ठंड लग रही है। तो आज का मौसम तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। आप लोगों के वहाँ कैसा मौसम है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी हो गया है दिन का टाइम और आप चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं दिन का खाना। तो अभी हम लोग ना मार्केट की तरफ को जा रहे हैं, हमें एक गिफ्ट लेना है आरव के लिए, तो अभी चलते हैं। आज मैं इतने टाइम बाद अपने बाबा को मिली हूँ, इनके वहाँ रहते थे। ये रहे हमारे बाबा। बाबा ने हमारा बहुत ध्यान रखा, हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा ना। अब हम यहाँ आ गए इसी दुकान में, हमारी पुरानी दुकान हनुमान प्रसाद जिंदाबाद। तो अभी हम यहाँ से गिफ्ट ले रहे हैं अगर आरव के लिए हमें मिल जाता है कुछ प्यारा सा, तो देखते हैं ना। हम लोगों ने गिफ्ट ले लिया है, अब हम निकलते हैं। भैया पैकिंग कर रहे हैं, फिर मेरे हस्बैंड पेमेंट कर रहे हैं और अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट से घर, थोड़ा सामान लिया, थोड़ा
और एक आरव के लिए गिफ्ट लिया, थोड़ी सब्जियाँ ली क्योंकि कल से नवरात्रि भी हैं, और फ्रूट्स वगैरह तो कल ही लेके आएंगे। और जो है अब मैं जाऊँगी रेडी होने। मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन, सिर्फ नहीं मेरे पास दो ऑप्शन मैंने रखे हैं आज पहनने के लिए, तो उनमें से मैं ऑप्शन दिखाऊँगी अपने प्यारे हस्बैंड को जो यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं आई मीन, तो वो जो पसंद करेंगे वो मैं पहनूंगी, लेकिन वो वही पसंद करेंगे जो मुझे पहनना है। ठीक है ना, एक बार हाँ बोल दो, आप कौन सा ड्रेस पसंद करोगे? हाँ हाँ अच्छा वाला, जो मुझे पसंद आएगा वही वाला ना। ये फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, तैयार तो बाद में होंगे, पहले पीते हैं अच्छी सी कॉफ़ी क्योंकि बहुत ठंड जैसी लग रही है और क्रेविंग भी हो रही है कॉफ़ी की। किचन पे ऑर्डर बना रही हूँ कॉफ़ी, दो कप कॉफ़ी मेरे मेरे हस्बैंड के लिए, और थोड़ी गर्माहट फील होगी उसके बाद रेडी होंगे। फ्रेंड्स अभी ना मैं और भटजी तैयार हो चुके हैं वहाँ जाने के आरव के बर्थडे के लिए, तो हम रेडी हो गए, हम निकलते हैं घर से क्योंकि फ़ोन आ रहे हैं वहाँ से कि आ नहीं रहे हो, अभी तो देर हो गई घर की, तो चलते हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम चल रहे हैं। चलो दीदी भी आ गई, ये लक्की भी आ गया, और हम मैं और दीदी जाते हुए, हम दोनों ने आज ट्रेनिंग कर रखी है क्योंकि हमारा प्री प्लान था कि हम दोनों सेम कलर पहनेंगे, है ना दी? हमने पहले ही कल ही सोचे थे, कल बात करी परसों हम बालकनी में बैठ के हम बात कर रहे थे कि हम लोग ना वाइन कलर ही पहनेंगे। हैप्पी बर्थडे बेटा, जिसको नहीं मिलेगा बता देना ठीक है। रही देखिए भीड़ भड़क का, नहीं 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 कहना पड़ेगा। हम सभी पार्टी का खाना ठूसते हुए, ये तो सिर्फ स्टार्टर है, उसके बाद हम लोग खाने पे टूटेंगे। इंजॉय करते हुए, ये ज्योति समोसे खाते हुए, दीदी आप क्या खा रहे हो? थैंक यू गो। मेरा नाम तो बता दो फिर। आरव है मेरा नाम। मेरा आरव का हूँ, मेरा नाम तो पूनम आंटी है। ये चॉकलेट मेरे को दे दो, मैं खाऊंगा। ये देखो आरव, कंप्लीट। अब हम सब लोग बैठे हैं, हम लेट आए थे तो हमें बोला गया कि लेट जाओगे, बैठ ही पड़े हैं। बच्चे कितना एंजॉय कर रहे, कितना खेल रहे हैं। ये दीदी वीडियो देख रही है, वंश भी देख रहा साथ में। आरव ये बर्थडे बॉय ने भी ड्रेस चेंज कर लिया है। तो पार्टी इज ओवर गाइस, अब हम लोग अपने घर को निकल रहे हैं और जा रहे हैं, सब लोग बाय बाय बोल रहे हैं, पार्टी खत्म। एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है, ये देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। यहाँ से दीदी और हम लक्की भी जा रहे हैं और ये यहाँ पे हैं, पूरी बारिश ही बारिश हो रही है। अब हम घर को जाते हैं और इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बताओ।